सर, हाँ जी, अब हम लोग का कल तो निकलना ही है, परसों एग्जाम है। बाकी अच्छा, अलग अलग जगह है सबका, है दूर दूर भी जी सर, होगा। बहुत दूर है सर, बहुत दूर दूर दिया है सर। अच्छा, और एग्जाम भी दो दो दे रहा है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड पेपर का वैल्यू है। अच्छा, जनरल पेपर है, लैंग्वेज का। हाँ वो तो है ही। चलो तो वो आज तो आपको लैंग्वेज है जितना सर। भी टाइम लगेगा, छठा और सातवा दोनों मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा देते हैं ये, ठीक है। छठे मॉक टेस्ट के हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे कल, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं और 50 क्वेश्चन अगले वाले मॉक टेस्ट के वो कर लेंगे, तो रिवीजन आपका हो जाएगा एक तरह से, और अच्छे तरह से आप सब पेपर करना, फिर तो कल निकल ही जाओगे आप। हाँ सर ये जो और कुछ जो टेस्ट एग्जामिनेशन का कुछ करेंगे टिप्स वगैरह दीजिए ना सर। सर, एक क्या चीज पूछना था कह सर, जो आपका रहे हो? हाँ सर बोलो बोलो। पंकज क्या कहना है, बोलो ना, रुक क्यों जाते हो? और भी कोई कुछ पूछा था? सुधीर साहब, तुम्हें क्या पूछना था भाई सुधीर? सर, एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए सर, जो बढ़िया से स्कोर आ जाए, कुछ ऐसा विशेष हो तो कुछ बस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजी देखो कुछ नहीं, जो आपने पढ़ाई कर रखा, आप फ्री माइंड अपने सब पढ़ ही लिया, रिवीजन कर लिया, जितना भी हो गया। अब एक दिन मैं तो ये नहीं है, फ्री माइंड रहो, जो भी होगा अपने पेपर में सही तरीके से करो, क्वेश्चन जो आते हैं उनको अच्छे से करो। नेगेटिव मार्किंग अब बंद हो गई है, तो सारे ही क्वेश्चन करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टाइम मैनेजमेंट रखो, ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास की क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस टाइम पे क्वेश्चन छोड़ दिया आपने तो वो नुकसान बहुत है, ठीक है। सबसे मेन ये है, और फ्री माइंड रहो, कोई वो नहीं, जो पढ़ना था, जितनी मेहनत आपको करनी थी आपने कर ली, ठीक है। जो आपके बस के बात था, जितना आपने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगाया ही होगा सबने, तो जो जितना कर सकता है। अब तो बस पेपर में रिलैक्स मूड में रहना रहता है, कोई टेंशन नहीं लेनी, पेपर देना तो जैसा है होगा सब बढ़िया होगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओ। पेपर से पहले जो है ज्यादा गुना भाग नहीं लगाने चाहिए, फालतू के रिलैक्स रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। एक चीज पूछना था, जितना वो टेस्ट सीरीज था उसको हाँ रिवीजन कर लेना चाहिए ना। हाँ एक दो दिन है आपके पास, जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज को रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस को रिवीजन, क्वेश्चन पढ़ो, कोई थ्योरी वोरी है फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ा हुआ उसको ही रिवाइज कर लो, ठीक है। सर, सीएस करेगा का जो बुक है सर, जैसे डीबीएमएस नेटवर्किंग डेटा स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए सर, और जो आपका टेस्ट है वही रिवीजन करके चल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए आप बताइए सर। आप देखो सीएस क्रैकर के भी सॉल्यूशन जो है आपने पहले पढ़ लिए, उतना रिवीजन टेस्ट कर लो, टेस्ट से ज्यादा ऑनलाइन ही होगा ना पेपर, तो पेपर नहीं, ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन है। जी, हाँ तो आप देख लो, कोई सा भी कर लो, दोनों चीज बराबर ही है, उससे दोनों में हम दोनों को मैं पूरे रात कोशिश करूंगा, पूरा किताब को रिवीजन कर पूरे दूंगा पूरे रात जो भी इसके। पढ़ना आज ही पढ़ लेना, कल की रात मत पढ़ना, ठीक है। कल की रात आराम करना, अच्छा जी सर, ठीक है, जो पढ़ना वह आज पढ़ लेना है। चलो कोई जी, नहीं, क्या बोले सर। ओके सर, अब तो चलो देखो बेटा, हमने यहाँ पे कर लिए थे 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे कल, इसके 50 से आगे के करते हैं, यहाँ तक कर लिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, बताओ क्या आंसर होगा। हैकिंग व्हेन डन विद पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड, अगर हैकिंग कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव इंटेंट से कर रहे हैं, मतलब किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, किसी के कहना वो चेक करने के लिए कर रहे हैं कि कुछ कमियां तो नहीं है, किसी चीज की कमी एथिकल पता हैकिंग, करने के लिए, तब वेरी व्हाइट हैकिंग हो जाएगा ओके, ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। एथिकल ठीक है। व्हाइट इसको होना चाहिए सर। वाइट नहीं बोलते, एथिकल हैकिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा सर, एक ये व्हाइट और ब्लैक हैकिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाइट हैकिंग भी होता है और ब्लैक।
वो हैकर्स के टाइप होते हैं, हैं? अच्छा, अलग तो अलग, उस दोनों हाँ, जो हमारे पास, बीच जो हमारे पास बेसिकली वो करते हैं, बैड इंडेंट से करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे हैकर्स होंगे? हैं बताओ, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक होंगे, ब्लैक हैट हैकर भी बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इंडेंट से करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कैसे होंगे? व्हाइट में आ जाएंगे। इनमें भी बेटा हमारे पास, हाँ, व्हाइट आना चाहिए सर। तो व्हाइट क्यों आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे हैकिंग के बारे में पूछा, किस टाइप की हैकिंग है, ठीक है तो भाई? जी देखो, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट में हैकर अलग टर्म है। हैकर का मतलब क्या है, जैसे आप पूछ रहे हो, हैकर को अगर हम बोलें तो एक होते हैं हमारे पास ब्लैक हैट, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास हैकर व्हाइट हैट, एक होते हैं हमारे पास हैकर का टाइप ग्रे हैट। हैट मतलब टोपी से समझ लो, एक तरह से रेड हैट भी होते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट का मतलब तो होता है अनएथिकल है, ये अनएथिकल हैकर होते हैं, ठीक है, अनएथिकल हैकर, या इनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी क्रैकर भी बोलते हैं, ठीक है, हैकर और क्रैकर, क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी क्रैकर, ठीक है, ये इलीगली किसी सिस्टम को हैक करते हैं और नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, या अपने सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, चाहे वो फाइनेंशियली नुकसान हो या डेटा का नुकसान हो, किसी भी तरह का हो, इंफॉर्मेशन चोरी करनी हो, डेटा डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, कुछ भी, ठीक है। जो हमारे पास व्हाइट हैट हैकर होते हैं उसको ही बोलते हैं एथिकल हैकर, एथिकल हैकर, ठीक है, और जो हैकिंग होती है उस हैकिंग को बोलते हैं एथिकल हैकिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास व्हाइट हैट हैकर या एथिकल हैकर जो हैकिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एथिकल हैकिंग बोलते हैं। हैकर में टर्म व्हाइट हैट हैकर हो जाती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ करते हैं, कि हमारे पास जो है सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं। तीसरे ग्रे हैट हैकर होते हैं। ग्रे हैट हैकर क्या होते हैं, ये बेसिकली इन दोनों के बीच के हैं, मतलब ये समझ सकते हैं ये लर्निंग के फेज में है, लर्निंग फेज में, मतलब ये जो है ना तो किसी के सिस्टम में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अनएथिकली हैकिंग कर रहे बिना परमिशन के लिए, ये सीखने के लिए कि किसी सामने वाले को बिना बताए उसका सिस्टम हैक कर लिया हमने, हैक करने के बाद उसको बता दिया हमने कि हैक हो लिया, या मजे के लिए कर रहे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो ग्रे हैट हैकर होते हैं। और तीसरे चौथा है हमारे पास रेड हैट हैकर। रेड हैट हैकर वे हैकर होते हैं जो बेसिकली हमारे पास इस तरह काम करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनको पकड़ने के लिए होते हैं, जो, ठीक है, ब्लैक हैट वालों का ही सिस्टम हैक कर देते हैं वे, ठीक है। तो इनका मेन टारगेट होता है कि ये जो ब्लैक हैट हैकर है इनको रोकना, ठीक है, और उनको उसके अकॉर्डिंग ही जो है पनिशमेंट भी देते हैं ये, मतलब उनका सिस्टम हैक करना, डैमेज कर देना, ये सब होता है, ठीक है। जितने भी हैकर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नॉलेजेबल जो होंगे वो रेड हैट हैकर होंगे, ठीक है, ये कैटेगरी होगी। अगर मान लिया किसी सिस्टम हैक ही हो गया, ये हैक होने से बचाते हैं, ठीक है, ये हैक करते हैं, ये तो सीख रहे हैं हैक करना, ठीक है, और ये अगर हैक हो गया तो किसने हैक किया उसको पता करना, कैसे हैक किया उसका ही उल्टा हैक कर देना, वो सब काम इनका होगा, तो एथिकल हैकिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल सफरिंग ऑन इंटरनेट इफ योर जियो लोकेशन इज टर्न्ड ऑफ ऑन देन इट मेक्स, बताओ, आपने आप अपनी लोकेशन ऑन की हुई है और आप जो है ब्राउजिंग कर रहे हो कुछ, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी आप काम कर रहे हो ऑनलाइन तो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं?
कि कहाँ से आप कर रहे, कहाँ आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या चीजें कर रहे, वो सब सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो रिकॉर्ड हो रही आपसे बिना पूछे, चाहे आप परमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कुकीज एक्टिव कर रहे या नहीं, लेकिन आपकी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन सब जो है रिकॉर्ड होती जा रही है। आप अपने मोबाइल में भी चेक करके देख सकते हो कि आपकी लोकेशन ऑन है, तो आप कब कहाँ थे, क्या किस लोकेशन पे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गूगल मैप पे रहेगी। तो इस तरह की जो हमारे पास सफरिंग होती है, उसमें हमारे पास ऑनलाइन जो आपके क्या रह जाते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट रह जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट एक्टिव और पैसिव। किस तरह के होंगे ये, जो लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, बताओ। है तो सर एक्टिव एक्टिव मोड मोड से सर एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं। भाई लोकेशन की वजह से आपकी चीजें ट्रैक हो रही है, आप थोड़ी करवा रहे, आपने लोकेशन ऑन करके छोड़ रखी परमानेंट। अब आप मान लिया घूमने गए हो, पेपर देने गए हो, आपको पता भी नहीं, याद भी नहीं लोकेशन ऑन है, वो आपको कोई लोकेशन को आपकी चेक कर रहा है, ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी, उसको परमिशन दे रखी, ऐप वाला आपको पता कर लेगा कहाँ हो आप, कर लेगा या नहीं, ठीक है, किस लोकेशन पे। आप थोड़ी, आपने थोड़ी उसको ये कहा कि भाई देख ले, अब जा रहे, अब जहां भी आ रहे जा रहे सब चीजें, तो वो सारी चीजें आपकी ट्रैक कर रहा है 24 घंटे, जब तक भी आपकी ऑन है वो लोकेशन। तो ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। एक्टिव वो वाले होते हैं जो जब आप ब्राउजिंग करते हो, ब्राउजिंग करने में पॉपअप आएंगे कि कुकीज एक्सेप्ट कर लो या ये कर लो वो कर लो, तो तभी आप एट ए टाइम उनको परमिशन दे रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो वे है ब्लूप्रिंट है या फुटप्रिंट है, वो स्टोर होते हैं, वो एक्टिव में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू हैव एन ऑडियो विजुअल चैट। जैसे अभी हम चैट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वीडियो चैट भी है, ऑडियो चैट भी है, दोनों चलती हैं जूम पे। तो ऑडियो विजुअल चैट हो रही विद एन एक्सपर्ट सिटिंग इन ए फार अवे प्लेस टू फिक्स अप ए टेक्निकल इशू। ठीक है, टेक्निकल इशू हो या हमारी जैसे क्लास चल रही वो हो, किसी भी तरह की हो, तो आप ऑनलाइन किसी से ऑडियो वीडियो चैट कर रहे, इसके लिए हमारे पास इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, बताइए। ऑडियो वीडियो कर रहे सर सर ऑप्शन वी ओ आई पी बी सर, बी 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 VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल जो है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम यहाँ पे यूज करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन आईटी एक्ट 2000। ठीक है, जो हमारे पास आईटी एक्ट 2000 है, इसके अंदर आईटी एक्ट जो है, बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक्ट बने हैं, उस एक्ट को आईटी एक्ट बोलते हैं, और ये आईटी एक्ट सबसे पहले 2000 में बना था, फिर 2008 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000 है, उसमें पूछा कितने शेड्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आप देखते हैं संविधान है, संविधान में भी अनुच्छेद है। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास, भाई सेक्शन होते हैं हमारे पास, उसके साथ साथ शेड्यूल होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं वहां पर। तो जो आईटी एक्ट 2000 है, इसके अंदर कितने शेड्यूल हैं ये पूछा, ऑप्शन है 1 2 3 4, कोई बताएगा कितने होंगे, नहीं बता। जो आईटी एक्ट 2000 बना था स्टार्टिंग में, इसमें टोटल 94 सेक्शंस में ये डिवाइड है, कितने सेक्शन है, 94। ये 94 सेक्शंस जो हैं, अगर हम बात करें तो इन 94 सेक्शन के कॉम्बिनेशन से 13 चैप्टर्स बने हैं, और ये 13 चैप्टर्स हमारे पास टोटल 4 शेड्यूल्स में है, यानी सबसे बड़ा इनमें क्या है, शेड्यूल है। टोटल शेड्यूल समझ लो आपके पास यूनिट है, एक तरह से आईटी एक्ट में 4 यूनिट होगी, 4 शेड्यूल। तो उन 4 शेड्यूल में टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं, उन 13 चैप्टर में टोटल हमारे पास 94 सेक्शंस बने हुए हैं।
ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, शेड्यूल पूछ ले, चैप्टर पूछ ले, सेक्शन शेड्यूल पूछ ले, चैप्टर या सेक्शन, तो शेड्यूल कितने हैं? 4 है, चैप्टर 13 है, सेक्शन जो है 94 है टोटल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड कॉमर्शियल ईमेल आल्सो नोन एज, आपके पास बहुत सारे ईमेल आते हैं, जैसे कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं, ये कहाँ से आ रहे फालतू के ईमेल इतने सारे आते रहते हैं? तो देखो, मेल अगर आप जीमेल पे किसी को मेल भेजने लगे तो आपके पास जो है एकदम इतने सारे मेल आप बल्क में नहीं भेज सकते, ठीक है, लिमिट है कि भाई आप 256 मेल ही भेज सकते हो एक बार में, या एक दिन में आप 2000 या 2500 के करीब मेल भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ये जो बल्क में बहुत सारे मेल आते हैं, अनवांटेड कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वाले मेल जो है स्पेशली बल्क ईमेल होते हैं, उनको बोलते हैं बल्क ईमेल। बल्क का मतलब एक ही साथ जो है वो कंपनी वाले हजारों लाखों मेल एक ही साथ भेज देते हैं, उनके पास आप सबका डेटा होता है, जो भी आप अलग अलग वेबसाइट पर लॉग इन करते हो वहां से वो डेटा खरीद लेते हैं, और खरीद के फिर उनके पास बल्क में डेटा इकट्ठा हो जाता है, वहां से आपके मोबाइल नंबर भी लिए जाते हैं, ईमेल एड्रेस भी ले लिया जाता है, मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज भेजे जाते हैं जिनको हम बल्क SMS बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास ये है ईमेल होते हैं उनपे बल्क ईमेल भेजे जाते हैं। अब इन बल्क तो भेज देते हैं, लेकिन इन बल्क में एक थोड़ा सा ये रहता है कि वो हमारे पास डायरेक्टली इनबॉक्स में नहीं आते, जैसे SMS भी होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, ट्रांजेक्शनल एक प्रमोशनल। तो ट्रांजेक्शनल SMS तो किसी को भी भेज दो आप, लेकिन प्रमोशनल SMS DND वालों पे नहीं जाते, या उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि इस तरह का कंटेंट ही हम भेजें, तो वो अलाउ हुआ वहां पे अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही बल्क ईमेल जाते हैं कि बल्क में हजारों लाखों ईमेल भेज दिए, लेकिन वो मेल जो है बल्क वाले डायरेक्टली इनबॉक्स में ना आके स्पैम में चले जाते हैं, कुछ स्पैम मेल कहलाते हैं, स्पैम वाले फोल्डर में, कुछ प्रमोशनल वाले फोल्डर में चले जाते हैं, कुछ स्पैम वाले फोल्डर में कौन से जाते हैं, जैसे कोई बिजनेस वाला कॉमर्शियल ईमेल है आपके पास, वो ईमेल पहली बार ही आया है, ठीक है, मान लिया आपने हमारी वेबसाइट पे ही लॉगिन किया, तो पहली बार आपने लॉग इन किया तो आप पे मान लिया वेरिफिकेशन कोड भी जा रहा है, तो वो मे बी स्पैम में जा सकता है, क्योंकि पहली बार आपकी मेल आईडी पे किसी हमारी जो हमारी बिजनेस वाली ईमेल आईडी support@spsharmaji.com, तो बिजनेस वाली ईमेल आईडी को पहली बार में क्या सोचेगा कि ये हमारे पास कॉमर्शियल ईमेल है, तो स्पैम में भेज देता है, फिर आप उसको रीड कर लोगे, देखोगे और उसको इनबॉक्स में कर दोगे, तो अगली बार से फिर वो इनबॉक्स में ही आने लगेगा, ठीक है, अगर स्पैम में ही छोड़ दोगे तो स्पैम में, कुछ प्रमोशनल कंटेंट होगा उसका तो वो प्रमोशनल में चला जाएगा, तो ऐसे अनवांटेड कॉमर्शियल ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं, ठीक है, तो सर, क्योंकि इसमें मालवेयर और एडवेयर के बारे में भी थोड़ा बता दें। मालवेयर जो होते हैं हमारे पास, बेसिकली जितने भी हमारे पास अनवांटेड, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास मैलिशियस कोड होते हैं, जितने भी मैलिशियस कोड होते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे मालवेयर होते हैं, ठीक है। मालवेयर एक ब्रॉड टर्म है, जैसे हम वायरस बोलते हैं, वायरस का भी ब्रॉड टर्म जो है पैरेंट टर्म मालवेयर है, मालवेयर के ही टाइप होते हैं हमारे पास वायरस, ठीक है, वॉर्म ट्रोजन, ठीक है, या हमारे पास एडवेयर, या हमारे पास स्पैम, ये सब मालवेयर के भी पार्ट है, जो भी हमारे पास मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं उन सब की जो मेन ब्रॉड टर्म है वो क्या है? वो है मालवेयर, ठीक है, तो मालवेयर हमारे पास सबसे ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि वायरस बोल देते हैं कि सिस्टम में वायरस आ गया, वायरस भी एक मालवेयर का ही टाइप है, ठीक है, वायरस अलग कोई वो नहीं है हमारे पास कि वायरस बड़ा हो गया मालवेयर छोटा हो गया, ऐसा नहीं है,
मालवेयरी सबसे ऊपर है। जितनी भी हमारे पास ये वायरस से रिलेटेड चीजें आप पढ़ते हो जो, वो सब मालवेयर के अंदर ही आए, चाहे वो वायरस हो, वॉर्म हो, ट्रोजन हो, स्पैम हो, एडवेयर हो, या स्पाईवेयर हो, रैंसमवेयर हो, क्रिप्टोजैकर हो, या हमारे पास जोम्बीज हो, वो सब इसी के अंदर आती है, मालवेयर ही है। ठीक है, वायरस की फुल फॉर्म बताएगा कोई, क्या होती है वायरस की फुल फॉर्म? जी वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर रिसोर्स वायरस छोड़ दिया तुमने, इंफॉर्मेशन आर छोड़ रिसोर्स अंडर सिस्ट दिया। हाँ, वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आर है रिसोर्स रिसोर्सेज अंडर सिस्ट रिसोर्सेज अंडर अंडर सिस्ट सिस। ठीक है, ये हमारे पास वायरस होता है। ठीक है, और वायरस के भी हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं। अब देखो, वायरस और वॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है वायरस और वॉर्म में डिफरेंस? में सर ये जो है बूट सेक्टर वायरस होता है। अच्छा, वो तो वायरस के टाइप बता रहे हो आप, बूट सेक्टर। वर्म जो होता है सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है सर। अच्छा, बिल्कुल सही। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, वॉर्म में और हमारे पास वायरस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक वायरस है, में इट सेल्फ होता है। वायरस जो है बेसिकली हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो किसी फाइल के साथ अटैच होता है, इंडिविजुअल अकेला नहीं काम करता। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी के साथ अटैच होना पड़ता है। अब वायरस डायरेक्टली नहीं जाएगा, किसी मीडियम की जरूरत होगी उसको जाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लिया किसी फाइल में आ गया वायरस, अब वो फाइल जाएगी कहीं किसी दूसरे सिस्टम में, तो उस फाइल के थ्रू वो उस सिस्टम में पहुंचेगा। ठीक है, अब वो वायरस अपने आप काम भी करना नहीं शुरू करता, जब तक कोई उस फाइल को ओपन नहीं करेगा, तब तक जो है वो हमारे पास वायरस भी एक्टिव नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा शांति से। ठीक है, शांति से क्या रहेगा, सिस्टम में पड़ा रहेगा। भाई गिरजा गणेश, कैमरा बंद करो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, वायरस को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी फाइल की जरूरत होती है, एग्जीक्यूट होने की जरूरत होती है। जब तक आप उस फाइल को छेड़ेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, वायरस कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। जबकि वॉर्म जो होता है, ये सेल्फ होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, और इसको हम सेल्फ रेप्लिकेट इसलिए बोलते हैं कि इसको किसी दूसरे फाइल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप ही अगर सिस्टम में आ गया तो रेप्लीकेट, जैसे कोरोना वायरस था, एक वायरस के दो फैलते जाते थे, तो ऐसे ही ये है, ये भी नेटवर्क के थ्रू या किसी के भी थ्रू जा सकता है हमारे पास। ठीक है, जो वॉर्म होता है, वॉर्म से एक ये होता है कि आपकी फाइलों को नुकसान नहीं होगा, ना वो फाइलों को डिलीट करेगा, ना करप्ट करेगा, ना ही मॉडिफाई करेगा। मतलब वॉर्म जो है, ये बेसिकली सिस्टम को हैंग करता है आपके, ये सिस्टम के रिसोर्सेस को किल कर देता है। ठीक है, क्या करता है, सिस्टम के रिसोर्सेस को किल करता है, आपकी फाइलों को नहीं करेगा, सिस्टम के रिसोर्सेस को, जो सिस्टम के प्रोसेस को चला रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं जो चीजें, उनको अफेक्ट करेगा, उनको ईट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिससे सिस्टम हैंग हो जाएगा, आपका सिस्टम ओपन ही नहीं होगा, चले जाएगा, घूमता घूमते रहेंगे, सब चीजें ओपन करोगे। वायरस जो है, ये आपकी फाइलों को डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये सारे काम कर देता है। ठीक है, ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को करता है, उसके रिसोर्सेस को करता है। इसको जो है बेसिकली, अगर हम बात करें कौन सा ज्यादा नुकसानदायक है इसमें, वायरस या वॉर्म? वर्म वायरस वर्म ज्यादा नुकसानदायक माना सर, है, इंफॉर्मेशन को चेंज, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर ज्यादा देगा नुकसानदायक तो भाई आपका वायरस है, तो ज्यादा ज्यादा नुकसानदायक क्या नुकसान। है, वायरस है। वायरस अगर सिस्टम में एक्टिव हो गया तो वो सिस्टम को क्या करेगा, खा जाएगा, सिस्टम की सारी फाइलें, फाइलों में ही तो डेटा है आपका मेन, ये तो रिसोर्सेस को खा रहा, आपका डेटा तो बचा हुआ है। ठीक है, आपके डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिस्टम को स्लो कर दे रहा है बस, लेकिन ये क्या करता है, ये तो आपकी फाइलों को ही कर देता है।
फिर एक फाइल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे ही रेप्लिकेट होता चला जाता है और बढ़ते चले जाते हैं वहां पे। जिस भी फाइल को ओपन करोगे उसी फाइल में पहुंच जाएगा। ये बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के काम नहीं करेगा, जब तक आप फाइल ओपन नहीं करेंगे फाइल में नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये है, इसकी स्पीड बढ़ने की बहुत ज्यादा, फैलने की स्पीड वॉर्म की बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आप ही सिस्टम में आ गया तो रेप्लिकेट होता चला जाता है। ठीक है, तो ये अगर वॉर्म आपके सिस्टम में आ गया तो इसको एंटीवायरस भी जो है कंट्रोल कर लें ऐसा बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फैलता बड़ी तेजी से है। एंटीवायरस जो है तब तक आप चलाओगे इतना ही और फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, आपको सिस्टम ज्यादा हैंग होगा, फोन में टी मारने पड़ते हैं। ठीक है, बट डेटा जो है आपका दूसरी ड्राइव में रखा हुआ है इधर उधर, वो बचा रहेगा। लेकिन अगर आपने जो है इसको, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन की भी नीड नहीं, फास्ट कर रहा है काम, तो भाई ये है हमारे पास कि वॉर्म से आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए एंटीवायरस से इसको पहले ही प्रोटेक्ट करके रखो, या आते ही एकदम से आप एंटीवायरस चला दो अगर पता चले तो, आप इससे बच सकते हो। वायरस जो है इतनी स्पीड से नहीं फैलता, बस ये हमारे पास थोड़ा ये हो जाता है। वॉर्म को रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है, वायरस को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसका मैसेज आ रहा? अभय कुमार का। अभय कुमार भाई स्क्रीन नहीं आ रही तो वो तो तुमको देखना पड़ेगा। आवाज है सर? जी आ गई फिर? सर, सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पैम से आगे बढ़ते हैं। वायरस से रिलेटेड ही है ये भी। ठीक है, बताइए क्या होगा हमारे पास इसका आंसर। ट्रोजन हॉर्स सर। अभी ये बताया था ट्रोजन हॉर्स भी हमारे पास एक मालवेयर ही होता है वैसे तो। ठीक है, तो इसमें लिखा वायरस दैट फूल ए यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड। ठीक है, देखो इसमें फूल बनाने का मतलब लिखा कि आपको पागल बनाया, आपको लालच दिया है कि मुझको डाउनलोड, आप खुद ही उसको डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, खुद ही डाउनलोड कर लिया आपने अपने सिस्टम में, खुद ही ले आए उसको, और लाने के बाद फिर वो क्या करता है, ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन रिमोटली कंट्रोल होता है। ये आपकी ना तो फाइलों को डिलीट करता है ट्रोजन, ना ही आपके सिस्टम के रिसोर्सेस को किल करता है। तो करता क्या है, आप जो काम कर रहे वो इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे बंदे को जाके दे देता है। ये रेप्लिकेट भी नहीं होता, रेप्लिकेट भी नहीं होता मतलब एक ट्रोजन आपके सिस्टम में आया तो एक ही रहेगा, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। कॉपी नहीं बनेगी तो आपको पता चल गया, एंटीवायरस से उसको आप रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये सिस्टम जो है, ट्रोजन जो है, रिमोटली कंट्रोल होता है। आपके सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो रही वो एक्टिविटी किसी थर्ड बंदे को भेजता रहता है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टील करना, चुराना। ठीक है, और बेसिकली ट्रोजन जो है हमारे पास, ये फायदा है इसका कि भाई रेप्लिकेट नहीं हो रहे तो आप कंट्रोल इजीली कर सकते हो इसको। इसके एग्जाम्पल, इसका नाम ट्रोजन हॉर्स जो है आप देख सकते हो किसके नाम पे रखा गया है, ट्रोजन, आपने मूवी भी देखी होगी। ठीक है, तो वहां पे ट्रोजन हॉर्स एक ग्रीक, हॉलीवुड की मूवी है। ठीक है, ग्रीक, कौन सी हाँ है? ग्रीक, ट्रॉय। ठीक है, तो वहां पे ट्रोजन हॉर्स का यूज किया गया था कि एक सेना जो है हॉर्स बनाया था उन्होंने लकड़ी का बहुत बड़ा, तो वो दुश्मन सेना के वहां पे खड़ा कर दिया, अंदर से वो खोखला था, उसके अंदर अपने सैनिक भर के उन्होंने अंदर भेज दिए थे। ठीक है, तो उसी के नाम पे इसको ट्रोजन हॉर्स नाम रखा गया है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंडेंट, मैग्नेटिक डिस्क होती है जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, ये मैग्नेटिक डिस्क की है। तो मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? ठीक है भाई, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क किस चीज से मिलके बनती है, ट्रैक, सेक्टर, ठीक है, ट्रैक, इनसे ट्रैक, बनती है। तो बीट होगा सर, ए होगा। ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट पर इंच ट्रैक, डिस्क पैक इन द डिस्क सरफेस।
ठीक है, तो वो इसके यहाँ पे तीन दिए हैं। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये डिक्स है, डिक्स में हमारे पास प्लेट होती है, सबसे पहली चीज होगी प्लेट। एक प्लेट में इस तरह से हमारे पास राउंड सर्कल ये बने हुए हैं, हमारे पास ये क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। ठीक है, जैसे रनिंग के ट्रैक होते हैं ऐसे ही ट्रैक ये बने होते हैं। पूरा जो सर्कल है ये वाला हमारे पास क्या है, ट्रैक कहलाता है। जैसे यहां से लेके और ये यहां तक पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रैक है। अब अगर एक ट्रैक का एक पार्ट हमने यहाँ पे ले लिया तो ये ट्रैक सेक्टर कहलाता है, ट्रैक का सेक्टर। अगर ये पूरा का पूरा ले लिया तो ये हमारे पास एक सेक्टर है, ये इसमें से एक पार्ट ले लिया तो वो ट्रैक सेक्टर कहलाता है। अब ट्रैक 1 इंच में कितने ट्रैक है, क्योंकि ट्रैक के अंदर ही हमारे पास जो सेक्टर बने हुए हैं इनमें डेटा स्टोर होता है, और हर सेक्टर के अंदर कितना डेटा स्टोर होगा वो डिफाइन है। बाहर वाला सेक्टर होगा उसमें ज्यादा डेटा भी आ सकता है, अंदर वाले में कम भी आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वो होती है, लिमिट होती है, उसका साइज कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। वैसे इक्वल साइज रखने की ट्राई करी जाती है कि हमारे पास जो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो तो कितने बिट्स या बाइट हम इसमें स्टोर कर रहे हैं वो होंगे। तो ट्रैक कितने हैं, जितने ज्यादा ट्रैक होंगे यानी जितनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी उतना ज्यादा डेटा आ जाएगा। फिर हर ट्रैक के अंदर कितनी बिट हम स्टोर कर सकते हैं वो हो गया। डिस्क पैक हमारे पास मतलब ये कितने हमारे पास ऐसी प्लेट बनी हुई है, तो एक डिस्क में जितनी ज्यादा प्लेट होंगी प्लेट के दोनों साइड हम रीड राइट कर सकते हैं वो हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, हर चीज पे डिपेंड करती है कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालने के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि एक हार्ड डिस्क है, मान लिया यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया एक हार्ड डिस्क ड्राइव है और उस ड्राइव के अंदर मान लिया 16 प्लेट्स हैं। कितनी प्लेट्स हैं, 16। एक प्लेट में जो है 256 ट्रैक हैं, ठीक है, और एक ट्रैक में मान लिया हमारे पास एक ट्रैक जो है उसके अंदर सेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, कितने सेक्टर हैं, मान लिया एक ट्रैक में मान लेते हैं हम 1024 सेक्टर बने हुए हैं, और एक सेक्टर में 1024 बिट्स या बाइट्स आप स्टोर करते हो, तो आपको हार्ड डिस्क का साइज बताना। तो क्या करेंगे, सीधा इन सब की मल्टीप्लाई, 16 256 × 1024 × 1024, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 12, 10, 22 और 32 हो गया। 32 यानी हम बोल सकते हैं 4 GB हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया, इसका साइज कितना हो गया, 4 GB हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वहां GB हमने 4 ही लिखा, वहां TB में भी या 500 GB या जितने भी GB तक के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। रजिस्टर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द मेमोरी डेटा बस एंड इंटरनल बस। डेटा बस और इंटरनल बस के बीच में जो हमारे पास रजिस्टर काम करता है उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है डेटा बस है, तो डेटा मेमोरी डेटा बस मतलब डेटा को कैरी करती है डेटा बस, तो डेटा को कैरी कहाँ से करा जाएगा, डेटा रजिस्टर से, उनको मेमोरी MDR भी बोलते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, ये CPU रजिस्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द प्रोसेसर इज एट रेडी स्टेट। मैनी, अच्छा हाउ मैनी नहीं है, मैनी टाइम्स द प्रोसेसर इज एट रेडी स्टेट। प्रोसेसर रेडी स्टेट में रहता है टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम ए डिवाइस और लोकेशन, बट देयर माइट नो इनपुट अवेलेबल। भाई आपने स्टेट पढ़ी होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कितनी स्टेट होती है नॉर्मली, थ्री थ्री रेडी रनिंग रेडी रेडी रन करें रेडी वो 20, रनिंग वेटिंग रेडी रन स्टेट। अच्छा, और वेट 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 स्टेट, वेट हाँ, और टर्मिनेट सीपीएम, सीपीएम टर्मिनेट
रेडी बोल तो दिया भाई, इनसे अलग तो बताओ। स्टार्ट न्यू नहीं रेडी होगी, रनिंग रेड न्यू भी तो एक होता है सर। हाँ, भी और होता है डेड स्टेट, ठीक रेड है, तो लास्ट में हमारे पास क्या हो होता जाता है, डेड स्टेट में पहुंच है। जाता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली 5 स्टेट होती है, तो न्यू स्टेट से रेडी में आता है। जब रेडी में कोई उसको प्रोसेस मिल जाता है तो वो उसको रनिंग स्टेट में ले जाता है। अगर उस प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो वो वेटिंग में ले जाता है, अगर वैसे क्यू की जरूरत पड़ी, कुछ इंटरप्ट आ गया, तो रेडी में चला जाएगा। वेट से फिर से रेडी में जाता है और फिर से रनिंग में होगा, फाइनली वो एंड स्टेट में, डेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसने कहा कि एक प्रोसेसर है, वो रेडी स्टेट में रहा कितने टाइम तक, लेकिन उसको कोई भी इनपुट नहीं मिला वहां से, तो ऐसे केस में वेस्टेज हो गया सीपीयू का टाइम। उसने वेट करा, कुछ आया ही नहीं इनपुट, तो सिस्टम गेट इनटू, तो सिस्टम कहाँ चला जाएगा ऐसे केस वेटिंग में? हाँ, वेट में चल गोज गेट्स दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करेगा सर, वेट में चला वेट में जाएगा भाई, जा रहा हूँ रेडी में क्या रहना, उसको वेटिंग में पूछा देगा। अगर मान लिया कोई प्रोसेस है, ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि रनिंग स्टेट से दो जगह जा सकते, तीन जगह जा सकते हैं हम, रेडी में जा सकते हैं, वेट में जा सकते हैं, और डेड में जा सकते हैं, ठीक है। तो रेडी में तब जाएगा अगर कोई इंटरप्ट आता है, तो हमारे पास वो वापस रेडी में चला जाता है, या जैसे राउंड रोबिन एल्गोरिथम होती है, तो राउंड रोबिन में एक स्पेसिफिक क्वांटम टाइम होता है, उसके बाद वो रेडी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कोई प्रोसेस आपने चलाया, जैसे दो नंबर ऐड करने का प्रोसेस, स्क्रीन पे लिखा आया इनपुट ए नंबर या इनपुट फर्स्ट नंबर, अब वो लिखा आया यूजर इनपुट ही नहीं कर रहा, देख रहा बैठा हुआ, तो जब तक यूजर इनपुट नहीं करेगा तो प्रोसेसर खाली थोड़ी रहेगा, वो किसी दूसरे को ले आएगा, दूसरे का काम करने लगेगा, वो कहेगा भाई तू इनपुट लेके आ, इतने तू वेट में चला जा, जब तक तेरे पास इनपुट नहीं आए दोबारा आना। तो वो उसको इनपुट, जब भी इनपुट आउटपुट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वेट में भेज देता है, ठीक है। तो ये क्या आंसर होगा, वेट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में भेजा जाता है प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, स्टैक से सोल्व हो जाते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो स्टैक में डाल के इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, 7 है, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 3 आया, जब तक वैल्यू आ रही आते रहो ऑपरेंड्स को, जैसे ही ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो टॉप के 3 है, 2 है, उन पे पहले इस वाले को लिखा जाएगा, बाद में ये, यानी ये 8 × 3 होगा, ना कि 3 × 8, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 8 × 3 और 3 × 8 में कोई फर्क नहीं, आप कहोगे, लेकिन यहाँ फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में या एडिशन में फर्क नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फर्क हो जाएगा। तो आप रूल के अकॉर्डिंग ही चलो, पहले नीचे वाला बाद में ऊपर वाला लिखेंगे, तो 24 इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 7 और यहाँ हो गया 24। उसके बाद 2 एंटर करेंगे, तो 2 एंटर करने पे हमारे पास, उसके बाद डिवाइड का एंटर करेंगे, डिवाइड होगा तो अब यहाँ पे देखो फर्क पड़ेगा, 2/24 नहीं, 24/2 करेंगे, ठीक है। तो 24/2 करने पे हमारे पास ये 12 बन गया, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 19 हो जाएगा स्टैक में, तो इसका रिजल्ट हमारा 19 आ जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि इन ए हैश टेबल टू एलिमेंट्स आर मैप टू ए सिंगल स्लॉट, ठीक है। एक हैश टेबल है, उसमें दो एलिमेंट सिंगल स्लॉट पे जा रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक ही स्लॉट पे जाते हैं तो उसको कोलिजन बोलते को आप हैं, ठीक है। वहां पे क्या आ जाता है, कोलिजन आ जाता है। अच्छा, एमवी कमांड क्या करती है, एमवी का मतलब है मूव करना, ठीक है, एमवी मूव मतलब मूव करना, ठीक है।
तो हमारे पास किसी डायरेक्टरी में एंट्री करती है, मूव करके किसी दूसरी डायरेक्टरी में एंट्री कर लेती है वो। अब यहाँ पे कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर इतने इफ इट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो इसकी हमें बताना है डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो इसने कहा ये टूज कॉम्प्लीमेंट में नंबर लिखा हुआ है और साइंड बाइनरी नंबर है, तो साइंड बाइनरी नंबर है तो इसका मतलब ये पहले तो ये चेक करो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। किस तरह का है, ऑप्शन से ही पता चल रहा नेगेटिव है। वैसे भी हमारे पास अगर ये वाली बिट MSB जो है अगर 1 होती है तो नंबर नेगेटिव होता है, 0 होती है तो पॉजिटिव होता है, कब, जब साइंड नंबर दिए होते हैं। ठीक है, तो अब इस नंबर को हमें इसकी वैल्यू, ये तो पता चल गया साइन नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पता करनी मैग्नीट्यूड क्या है इसका, तो उसके लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हम। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इधर से चालू करेंगे राइट साइड से और पहले वन तक सेम, उसके बाद चेंज, उसके बाद चेंज कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह। इसको 1 2 4 8 16, तो 16 4 20 और 2 22 हो गया है, तो साइन माइनस का आएगा और 22 हो जाएगा, माइनस के 22 इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये आपके पास आंसर हो गया सर, इसका। वैल्यू को क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट में दिया गया कि कन्वर्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में? हाँ टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि तभी टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होगा जब ये वाला 1 होगा, अगर ये 0 है तो नहीं करना। ठीक है, ओके अगर ओके नंबर नेगेटिव होगा तभी करना, पॉजिटिव नंबर को नहीं करेंगे, केवल नेगेटिव नंबर को ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली, ए की जगह 8 लिख दो, बी की जगह 4 लिख दो, सी की जगह 2 लिख दो, डी की जगह 5 लिख ओके दो, प्लस माइनस इनटू ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब स्टैक के अंदर इसको पुश कर देते हैं, पहले 8 पुश कर दिया, फिर 4 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, डायरेक्ट होते चले गए, ये ऑपरेटर आया पहले प्लस, हाँ तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, तो ये हो सर गया 8 4 7। ठीक है, फिर क्या इनपुट होगा, माइनस, तो -4 -7 इन दोनों पे चलाया, 4 -7 कितना हो गया -3, तो 8 -3, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -24 रिजल्ट आपको मिल जाएगा, सी वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, -24। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल यूजेज। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी से, कि आपके डेटाबेस में कोई इनएक्यूरेट डेटा एंटर ना हो, जिस तरह का डेटा आप चाहते हो उसी तरह का डेटा हमारे डेटाबेस में एंटर हो, वो कहलाता है डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इनमें से बताओ डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है। चार ऑप्शन है कि अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ न्यूमेरिक डेटा, पासवर्ड टू बी प्रोहिबिटेड अनऑथराइज एक्सेस टू फाइल्स, डेटा डिक्शनरी टू कीप द डेटा, डेटा डिक्शनरी टू फाइंड लास्ट एक्सेस ऑफ डेटा। तो डेटा इंटीग्रिटी अपर एंड लोअर कंट्रोल, लिमिट और हाँ, न्यूमेरिक टू अनऑथराइज एक्सेस टू फाइल। पासवर्ड टू प्रोहिबिट अनऑथराइज एक्सेस ऑफ फाइल, कि आप अनऑथराइज एक्सेस को रोक पाए, वही तो आपके डेटा की एक्यूरेसी करना। ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी करना, तो डेटा को सिक्योर करने का भी काम डेटा इंटीग्रिटी में यहाँ पे आ जाता है। चलो, अब ई कॉमर्स से रिलेटेड है, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है ये आपको बतानी। ई कॉमर्स आप सब आजकल यूज करते होंगे, तो आपको इसमें बताना कौन सी एप्लीकेशन ई कॉमर्स में यूज नहीं होती। हाउस बैंकिंग, बाइंग स्टॉक, कंडक्टिंग एन ऑक्शन, इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय, बताओ। इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय को रैंक देनी, उसको अपार में मार्क्स देने, भाई तेरी परफॉर्मेंस ये है, तो उसमें ई कॉमर्स का क्या मतलब है। ई कॉमर्स के थ्रू आप ऑक्शन कर देते हैं, जैसे आजकल सट्टा बाजार, ऑनलाइन सट्टा बाजार चलता है, ड्रीम इलेवन,
My 11 सर्कल, ये क्या है? ऑनलाइन सट्टा बाजार ऑक्शन लगाते हैं आप खिलाड़ियों के, ठीक है। ऑफलाइन आईपीएल में चलता है। स्टॉक्स शेयर मार्केट पे आप कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरह से ई कॉमर्स है। हाउस बैंकिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, या ई बैंकिंग कर रहे हैं, हाउस बैंकिंग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, वो सब भी ई कॉमर्स के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टरी फाउंड इन मोस्ट यूनिक सिस्टम, यूनिक सिस्टम्स, यूनिक्स के अंदर जो डायरेक्टरी होती है वो इनमें से कौन सी है? डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे उसमें एक फोल्डर बना होता है बाय डिफॉल्ट यूएसआर नाम का, जैसे विंडोज में डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह ये बने होते हैं ना, ठीक है। सी ड्राइव, डी ड्राइव बनी होती है, सी ड्राइव के अंदर माई डॉक्यूमेंट बने होते हैं, ठीक है। ऑडियो का बना होता है, वीडियो का बना होता है, डेस्कटॉप का बना होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास यूनिक्स है उसमें एक फोल्डर बाय डिफॉल्ट बना होता है यूएसआर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइल एक्सटेंशन इज, फाइल के एक्सटेंशन का एग्जाम्पल बता दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा एक्सटेंशन है इसमें फाइल का? TXT TXT कहाँ लिखा है बेटा इसमें? TEXT सर, MP3 हो TXT, जाएगा सर। TXT नहीं लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो तो। टेक्स्ट हमारे और पास क्या टेक्स्ट? हाँ टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट, MP3 हो जाएगा सर। MP3 होता है, टेक्स्ट थोड़ी होता है एक्सटेंशन, TXT होता है। टेक्स्ट तो फाइल का टाइप होता है, एक्सटेंशन उसका क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन TXT होता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? MP3, MP4, MP3 ऑडियो का होता है, MP4 वीडियो का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो क्वेश्चन बताओ। बिजनेस टू कस्टमर ई-कॉमर्स, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल। आपको B2B ई कॉमर्स करनी है तो कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करेंगे? आपको WWW की जरूरत पड़ेगी सर। भाई। बिजनेस टू कॉमर्स का मतलब क्या है? जैसे अमेजन से बिजनेस टू कस्टमर, जैसे अमेजन से आप क्या कर रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे, तो ऑनलाइन WWW की जरूरत तो पड़ेगी। क्या कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, पब्लिक नेटवर्क पे भी आप भी, नहीं मान सर। लिया आप भी कोई ई कॉमर्स का काम करना चाहते हो, जैसे हम ही मान लिया बुक आपको वो करने हैं तो बुक भेज रहे, मान लिया अमेजन पे भेज रहे, अपनी साइट बना लो, कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क लेना कोई जरूरी तो है नहीं। EDI की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी सर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं। इंटरचेंज करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है इतनी। सिक्योर पेमेंट सर्विसेज की, हाँ पड़ेगी सर, ये तो जरूरी है जरूरी है, सर। साइन करना तो वो पड़ेगा ही। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग बिजनेस, तो कम्युनिकेशन नहीं जो सर, है वो मेल वगैरह से भी आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, या आप वैसे ही डाल दो, उसका कोई इतना वो नहीं है। सबसे ज्यादा इसेशनल जो है, इसेशनल पूछा है इसने, तो WWW और सिक्योर पेमेंट सर्विसेज ये है, ठीक है। ई कॉमर्स इन्वॉल्व, ई कॉमर्स में क्या चीज इन्वॉल्व रहती है बताओ? ई कॉमर्स में डेटा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सभी तो हो जाएगा सर। इलेक्ट्रॉनिक अभी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड भी होता होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक में। न्यूज व्यूज चलानी पड़ेगी क्या भाई तुमको? सबसे मेन है डेटा इंटरचेंज, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है? डेटा इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज इंटरचेंज, इंटरचेंज, भाई डेटा इधर से उधर, आपने कोई चीज ऑर्डर करी है तो आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई सामने, जिसके जहां ऑर्डर करी बिजनेस के पास, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे आपसे कम्युनिकेट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये सी लैंग्वेज का कोड दिया हुआ है, आपको इस कोड को रीड करना है और इसका आउटपुट बताना है कि इस कोड के अंदर कोई एरर है या इस कोड के अंदर जो है एक वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू या 20 आएगी या नन ऑफ दी जाएगी, बताइए।
मेन मेथड फंक्शन है एक, एक्स की वैल्यू शुरू में जीरो करी गई है इसमें असाइन, वाई लूप चला एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसिस नहीं लगा हुआ, तो ये फोर लूप इस वाइल के अंदर ही आ जाएगा, और फोर लूप में कोई भी कंडीशन नहीं है, खाली है फोर लूप, ठीक है। उसके बाद इफ दिया हुआ, इफ में क्या करा, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट करा, 10 से भाग करे, अगर रिमाइंडर जो है जीरो आ रहा है, रिमाइंडर जीरो कब आएगा, रिमाइंडर जीरो तब आएगा अगर 10 जीरो को 10 से भाग करें, या 10 को 10 से भाग करें, या 20 को 10 से भाग करें, या 30 को 10 से भाग करें, तभी तो आएगा भाई रिमाइंडर जीरो, है 10 के जी मल्टीपल में, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जैसे ही 10 से भाग करने करते हैं हम और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो पहली बार में तो जब जीरो थी वैल्यू, तो ये वन हो चुकी है, कितनी हो गई, वन, तो वन हो गई तो ब्रेक तो होगा नहीं, या होगा भाई, वन पे तो होगा नहीं ब्रेक, ना ही ये ब्रेक टू पे होगा, तो बताओ कहाँ पे जाके ब्रेक होगा, कौन सी वैल्यू पे जाके ये ब्रेक होगा, वैल्यू टेन पे जाके एक्स की प्रिंट करेगा या कोई है? सर, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी तब जाके ब्रेक होगा सर। एक्स की वैल्यू 3 होने पे, 10 सर, 10, 10, 10। 10 होने पे ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 होने पे यहाँ पर ये आया प्लस प्लस करते हुए, एक्स की वैल्यू 10 10, उसके बाद ये ब्रेक पे आ गया। चलो आपने कहा 10 पे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करना चाहिए फिर आपके अकॉर्डिंग, है एक्स की वैल्यू 10 करेगा, क्या करेगा, 10 तो ऑप्शन नहीं है। 20 करेगा क्योंकि हाँ ब्रेक हो के तो फोर लूप से ब्रेक होगा, व्हाइल लूप में फिर जाएगा एस एक्स लेस देन इक्वल टू 10, फिर वो वहां से रन हो जाएगा, फिर फोर अच्छा लूप में आएगा, ऐसे करके 20 तक जाएगा, बिल्कुल 20 पर जाके व्हाइल लूप से नीचे बिल्कुल सही जाएगा। पकड़ा आपने, ये 20 आएगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पे 10 होगा उस टाइम पे यहाँ पे 9 होगा भाई, यहाँ पर 9 लेस देन इक्वल टू 10 है, तभी तो ये अंदर फोर लूप में गया, फोर लूप में यहाँ 9 का क्या हो गया, 10 हो गया, 10 डिवीजन 10, तो ये 0 हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक क्या हुआ, फोर लूप से ब्रेक हुआ, फोर लूप से ब्रेक होके कहाँ गया, अभी यहाँ पे ये वाला कंडीशन रह गई थी, अब यहाँ पे चेक करेगा कि 10 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, तो है तो वापिस से पहुंच जाएगा हमारे पास, इसमें वापिस से फोर लूप में पहुंच गया, वापिस से फोर लूप तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ना, ये तो चलता ही रहेगा हमारे पास, अब इसमें जाने के बाद फिर जैसे वो 10 लेके आया, यहाँ होगी 11, अब 11 होने पे हमारे पास क्या हो गया, फिर से ये चलता रहेगा 11 12 13, फिर 20 पे पहुंचेगा, तो 20 को जब 10 से करेंगे तो 0 आएगी, फिर से ब्रेक होगा, अब ब्रेक, अब फिर से भी ये वाला 4 ही ब्रेक होगा, ऊपर वाला वाइल नहीं होगा, ठीक है। ये 20 कब हुआ, जब ये हमारे पास क्या था, ऊपर नहीं, ऊपर वाला 9 नहीं था, ऊपर वाला तो 0 पे ही था, 9 नहीं था ये, ऊपर वाला तो पहली बार ही 0 पे ही आ गया था ना अंदर, ये तो बढ़ता हुआ 0 से 9 यहीं पे बढ़ता जा रहा था, यहीं पे बढ़ता जा रहा था, तो यहां से ब्रेक हुआ था, अब ये 0 लेस देन 10 था, तो ये हमारे पास यहाँ अंदर चला गया था, अब ये जब दोबारा आएगा तो 10 लेस देन 10 पे मिलेगा इसको, तो 10 लेस देन 10 पे भी ये अंदर चला जाएगा, अब ये जाके यहाँ पे 20 पे हमारे पास क्या होगा, फिर से ब्रेक होगा फोर लूप, अब 20 से फोर लूप से बाहर जाएंगे, फिर वाइल में जाएगा, वहां पे 20 लेस देन इक्वल टू 10 मिलेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब वाइल से बाहर निकलेगा, तब प्रिंट में आएगी, ठीक है, समझ आई बात, क्या है देखो एक बार वो समझ लो, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे वाइल लिखा हुआ, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू ट्रू है तो अंदर चल देते हैं, अंदर चल दिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 में कुछ नहीं लिखा, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, तो 4 के अंदर आ गए, यहाँ पे इफ में आ गए,
इसमें आगे प्लस प्लस एक्स है तो वन रिमाइंडर टेन, क्या इक्वल टू जीरो है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो इस पे ही जाएगा फोर पे, और ये फॉल्स फॉल्स पे यहीं पे फोर पे चलता रहेगा जब तक टेन डिवाइड बाई टेन नहीं होगा। जैसे टेन डिवाइड बाई टेन हो गया कंडीशन होगी जीरो, यहाँ पे ये कंडीशन बन गई हमारे पास क्या ट्रू बन गई है कंडीशन। जैसे ही कंडीशन ट्रू बनी तो अब ये नीचे आ गया ब्रेक पे, और ब्रेक किसको किया इसने, इस फोर को ब्रेक कर दिया, तो यहां से अब ये वापस पहुंचेगा वाइल पे, वाइल पे पहुंचा तो उस टाइम तक एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 10, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर से ट्रू, तो ट्रू तो फिर से अंदर पहुंच गया, कंडीशन यहाँ भी ट्रू थी तो अंदर पहुंच गया, फिर से ये चालू हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस लिखा हुआ तो 10 आगे आके क्या हो गया 11, 11 को 10 से करा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आ गया 11 को करेंगे 1, 12 को करेंगे 2, ठीक है, तो ऐसे ही 20 जब होगा हमारे पास तब हमारे पास 0 बनेगा, फिर ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, तो इस बार 20 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स, तो वाइल से भी बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे रिजल्ट एक्स इक्वल टू 20 आ जाएगा, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज, क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्राम ओरिएंटेड या कंपाइलर ओरिएंटेड? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब डेटा वेयर हाउस क्या है, यानी एक ऐसी जगह जहां पे डेटा रखा हुआ है, डेटा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। भाई मान लिया किसी के पास दुकान है, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ का, उसके पास स्टेशनरी की दुकान है, किताबों की दुकान है, तो वो अपने डेटा वेयर हाउस में यानी स्टॉक के अंदर लगा के रखेगा कि यहाँ पे कॉलेज की दुकानें हैं, वो किताबें हैं, यहाँ पे स्कूल की किताबें मिलेंगी, यहाँ पे इस टाइप की, यहाँ पे इस टाइप की किताबें, तो ऐसे रखेगा ना। तो ये जो है हमारे पास डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें वो ये तो है नहीं कि किताबों के वेयर हाउस में कुछ और सामान रखने लगे, जो है भाई जिस चीज का वही सामान रखेगा, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और कितनी पुरानी, टाइम ओरिएंटेड भी होना चाहिए, ठीक है, कि कितनी पुरानी कब तक का डेटा हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा माइनिंग कैन बी यूज्ड एज टूल, डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, डेटा माइनिंग का मतलब बहुत सारा डेटा उसमें से फिल्टर अपने काम का निकालना, पैटर्न निकालना, ठीक है, जैसे कोयले की माइनिंग होती है, ठीक है, पेट्रोल डीजल की फिल्टरिंग होती है, ठीक है, ऐसे डेटा की भी माइनिंग होती है, तो उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग रिसर्च टूल होता है। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे भाई? वही कह रहे थे सर, रिसर्च, रिसर्च टूल है हमारे पास। अच्छा, नॉन मॉडिफाइएबल प्रोसीजर और कोड, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रोसीजर मतलब फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रिट्रेंट प्रोसीजर, स्पेलिंग गलत हो रही प्रोसीजर की वजह से, यहाँ पे रिट्रेंट प्रोसीजर होते हैं जो मॉडिफाई नहीं किए जा सकते, ठीक है, डेटाबेस का ही क्वेश्चन है ये नॉर्मली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये तो आप बता ही लोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट बताना। ऑब्जेक्ट कैन नॉट इंटरेक्ट विदाउट हैविंग टू नॉन डिटेल ऑफ ईच अदर डेटा और कोड, ठीक है, जब तक हमें एक दूसरे डेटा के बारे में नहीं पता तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है कि ईच ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद डेटा ऑफ टाइप क्लास विच दे आर क्रिएटेड, हर ऑब्जेक्ट जो है अपनी किसी पर्टिकुलर क्लास से एसोसिएट होता है जिसमें उसकी डेफिनेशन या जिससे वो बनाया गया है। ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट बाय सेंडिंग मैसेज टू वन अनदर, ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस इन मेमोरी, बताओ भाई लास्ट वाला सही है गलत है?
सही है सर, स्पेस सही को है, लेकर। सही है ऑब्जेक्ट सही है। स्पेस लेता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है जिसमें डेटा मेंबर्स स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इंटरेक्ट करता है सेंडिंग मैसेज टू वन अनादर, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं, कोई मैसेज पास करते कर सकते हैं क्या किसी दूसरे फंक्शन में या क्लास में? कर सकते हैं, कर सकते हैं ना फंक्शन कॉलिंग करके, ठीक है, उसमें हो जाएगा। कर और हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास से भी एसोसिएट होता है। ये कह रहा ऑब्जेक्ट कैन नॉट वर्क इंटरेक्ट विदाउट नॉन डिटेल ऑफ ईच अदर, ये गलत कह रहा। ऑब्जेक्ट तो कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा, बस उसको किस फंक्शन को कॉल करना वो करा दो उस फंक्शन से, अगर उस क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन टाइप विद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। देखो हमारे पास बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के जो फॉर्मेट होते हैं उनमें होती है हमारे पास एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक में हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेते हैं। एक होती है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो रजिस्टर, ये तीन मेन हमारे पास क्या है इंस्ट्रक्शन फॉर्म है, जिनमें 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का भी हम यूज करते हैं, वो भी हमारे पास देखो अगर हम यूज करें 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो ये उसका CSA का क्वेश्चन है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है, कोई एड्रेस नहीं दिया होता, बस डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, तो ये एक्यूमुलेटर पे काम करती है। इसके अंदर जो होता है सिंगल एक्यूमुलेटर यूज होता है, AC एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 1 एड्रेस, एक ही एड्रेस दे रखा है, उसमें पुश और पॉप के ऑपरेशन होते हैं, तो इसके अंदर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तीसरा होता है हमारे पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 2 एड्रेस, और चौथा होता है हमारे पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में दोनों में रजिस्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, रजिस्टर के द्वारा ये इंप्लीमेंट करे जाते हैं, तो जिनको जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है इसमें, तो आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग सिस्टम कॉल विल बी सस्पेंडेड अंटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट, ठीक है। बताओ कौन सी फंक्शन कॉल को कॉल करेगा, वो कौन सी सिस्टम कॉल को कॉल करेगा, एक पेरेंट प्रोसेस तब तक रुका रहे जब तक उसका चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। मतलब क्या है कि आप ये समझ लो एक फंक्शन है मेन, इस फंक्शन में कुछ कोड लिखा हुआ है, यहां से इसने एक सो नाम के फंक्शन को कॉल किया, फिर नीचे कुछ कोड लिखा हुआ। अब यहाँ पे सो नाम का फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, वॉइड सो, ठीक है। अब ये वॉइड सो के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ, तो क्या होगा, मेन चलेगा यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही सो आ गया तो ये यहाँ पे चला गया, इसके नीचे वाला रह गया, ये पहले सो को कंप्लीट करेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये यहीं पे रुका रहेगा, रुका रहेगा, तो ये रुका रहेगा, वापिस जब ये कंप्लीट होके यहाँ आएगा तो वापिस से चलेगा, तो ये इतने रुका हुआ तो इसको कौन रोक रहा है, कौन सी सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ने लगाई है कि ये रुक जाए ये चल जाए, बताओ कॉमन सेंस से ही बता दो, कोई बड़ी बात नहीं, कॉमन सेंस से ही आंसर दे सकते हो, अगर नहीं भी पता तब भी। सर वेट फ्रॉग करेगा, का, भाई फ्रॉग का होगा नहीं सर, वेट लगाएंगे, फ्रॉग तो नए जी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। जी ये होगा हमारे पास वेट सिस्टम कॉल। वेट सिस्टम कॉल क्या करती है, वेटिंग में ही तो रोक दिया, इसको रोक दिया मतलब वेट कर ले भाई, तो बाकी इतने कर रहे, तो वेट सिस्टम कॉल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वी यूज, सर PCI होना चाहिए, ए नंबर। हाँ PCI बस, PCI बस की फुल फॉर्म क्या होती है?
पेरिफेरल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट ठीक है। तो आजकल ये एक्सप्रेस भी आती है, पीसीआई एक्सप्रेस ठीक है। तो आजकल जो ये पोर्ट होते हैं जो पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं, किनको? पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं, उनको हम पीसीआई बोलते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पीसीआई मतलब पेरिफेरल डिवाइस, जैसे मान लिया आपके पास प्रिंटर है, पेरिफेरल डिवाइस होती है एक, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस, तो प्रोसेसर बस से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, उनको बेसिकली जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी एक बस दी है इसने, SCSI बस। SCSI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, S मतलब स्मॉल, C मतलब कंप्यूटर, S मतलब सिस्टम, I मतलब इंटरफेस। तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये हमारे पास एक तरह की मैग्नेटिक डिस्क भी होती है, हार्ड डिस्क का भी टाइप होता है ठीक है, SCSI टाइप। एक SCS भी होती है, SCS का मतलब होता है हमारे पास सीरियल तो सीरियल सीरियल अटैचमेंट, SCSI सीरियल अटैचमेंट, SCSI। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो पंकज, जी सर, जी सर क्या पूछ रहे थे? चलो सही है सर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आपने बताया था पीसीआई होता है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 बिट एनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर, क्या होता है 8 बिट का एनकोडिंग फॉर्मेट? बी हाँ बी आस्काई कोड कितने बिट का होता है? सात का, सेवन सात का, 7 का। एक हमारे पास आस्काई में बस का कंसेप्ट थोड़ा सा बता दीजिए ना। एक बस नहीं आता बस वाला सर, बस वाला, कौन सा बस हमारे पास? बस वाला। डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, 3 मेन तरह की बस। हाँ तो ये तीनों बस सब बता दीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है अभी बता देते हैं इस क्वेश्चन को करके। आस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये 7 बिट का होता है। एक एक्सटेंडेड हमारे पास आस्काई कोड भी होता है जो 8 बिट का होता है ठीक है। EBCDIC कोड होता है हमारे पास, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल डेसिमल इंटरचेंज इंटरचेंज कोड ठीक है, ये हमारे पास 8 बिट का कोड होता है ठीक है। ANSI होता, वो ANSI, ANCI नहीं, एक ये भी गलत दे रखा हमारे पास। एक हमारे पास UTF होते हैं, फिर ये यूनिकोड होते हैं हमारे पास, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट ठीक है। एक हमारे पास ISCII होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास EBCDIC हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए फ्लोट इन पाइथन, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो जिसमें कन्वर्ट करना उस नाम से ही फंक्शन बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन का नाम फ्लोट हो जाएगा ठीक। फ्लोटेड क्या हो जाएगा? फ्लोट डाल फ्लोटेड सर, देंगे ठीक है, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो स्ट्रिंग क्या हो, जैसे इनपुट फंक्शन करते हो आप, कि आपने एक नंबर इनपुट कराया, तो ऐसे ही तो लिखते हो, इनपुट फंक्शन लगाया कि एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर करा रहे हैं आप। अब मार्क्स किसी के पॉइंट में भी हो सकते हैं, तो इससे पहले क्या लगा देते हो? फ्लोट लगा देते हो, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट यूज कर लिया आपने ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब नीशु एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि हमारे पास एक एड्रेस बस होती है ठीक है,
एक हमारे पास डेटा बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। ये तीन तरह की बस होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से ये काम करती हैं, इनके बारे में पूछो। ठीक है, तो बेसिकली बेटा सबसे पहले क्वेश्चन यही कि बस के टाइप कितने होते हैं। तो बस जनरली हमारे पास जो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं, तीन टाइप्स की बस यूज करते हैं। पहली हमारे पास एड्रेस बस, जिसमें एड्रेस स्टोर होता है बेसिकली। ठीक है, दूसरी डेटा बस, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है डेटा बस। और तीसरी हमारे पास बस होती है कंट्रोल बस, जो कंट्रोल सिग्नल और एक्नोलिजमेंट सिग्नल भेजती है। कंट्रोल सिग्नल भेजने के, अगर हम बात करें कंट्रोल बस की, तो जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होते हैं कि कहाँ से हमें रीड करना, कब हमें कहाँ से राइट करना, रीड राइट हो गया क्या, उसकी एक्नोलिजमेंट लेना। ठीक है, ये सारे काम जो है, या कोई इंटरप्ट का सिग्नल भेजना कंट्रोल करने के लिए, तो वो सब काम कौन करती है, कंट्रोल बस करती है। ठीक है, कंट्रोल बस हमारे पास, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बाईडायरेक्शनल होती है। तो जब हमारे पास एक्नोलिजमेंट भी आ रही, तो इसका मतलब बाईडायरेक्शनल काम हो रहा है। भाई आपने किसी को कंट्रोल वो सिग्नल भेजा कि रीड करो डेटा, उसने रीड करके आपको बता दिया कि रीड हो गया, एक्नोलिजमेंट दे दी, तो उसने भी बताया ना, तो कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल बस है। ये भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी बस बाई डायरेक्शनल होती है, कौन सी यूनिडायरेक्शनल बस होती है। अब डेटा बस है हमारे पास, डेटा बस भी डेटा जो है हार्ड डिस्क से हमारे पास प्रोसेसर के पास भी जाता है, प्रोसेसर से हार्ड डिस्क पे भी जाता है प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल बस होती है, ये डेटा को ले जाती है एक जगह, इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में, जैसे कीबोर्ड से मेमोरी में जा रहा, या मेमोरी से प्रिंटर या मॉनिटर पे जा रहा, तो बाई डायरेक्शनल है हमारे पास। बाई डायरेक्शनल किस किस के बीच में, इसमें मेनली इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के बीच में हमारे पास हो सकता है। ठीक है, तो डेटा जो है ये मेमोरी में रीड भी करती है, राइट भी करने के लिए भेजती है, दोनों तरह से काम करती है। जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस होती है, ये बस यूनिडायरेक्शनल बस है। यूनिडायरेक्शनल बस है मतलब इसके अंदर जो है एड्रेस होता है मेमोरी का या इनपुट आउटपुट डिवाइस का, ये क्या करती है, होल्ड करती है एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ठीक है, क्या जो भी हमारे पास मेमोरी होती है उनका बिल्कुल एड्रेस, कहाँ पे हमें डेटा को राइट करना, वो एड्रेस किस डिवाइस से लेना, उस डिवाइस का एड्रेस राइट लेती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, कहाँ से, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। ठीक है, कहाँ से, प्रोसेसर से, इसमें यूनिडायरेक्शनल में प्रोसेसर से होता है, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ। जब हम मेमोरी में लिख रहे हैं, यहाँ पे बताया ना एड्रेस या तो मेमोरी का या इनपुट आउटपुट का, या प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ, यानी आपने कोई डेटा प्रोसेस किया, उसको किसी मॉनिटर या प्रिंटर पे भेज रहे हो, या आप हार्ड डिस्क वगैरह में भेज रहे हो वहां पे भेजने के लिए, तो ये हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट वगैरह और ये सब। ठीक है, समझ आया सर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ा सा सर, वो जैसे -22 होता है उसको मॉडुलस करते हैं -5 से, तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहता है सर, उसको उसको लाइन पे थोड़ा पाइथन डिस्कस। का, जी सर, ठीक पाइथन का करा देते हैं, अभी इसको सबमिट कर देते हैं। आज तो 1-1.5 घंटे की क्लास में यही 30 ही क्वेश्चन हुए हैं। हम सोच रहे थे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे दोनों टेस्ट कर देंगे, क्वेश्चन जो है बड़े बड़े थे यहाँ पर। चलो समझा, एक काम करते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हम स्क्रीन को ऐसे ले लेते हैं और एक नोट पैड ले लेते हैं।
आगे भाई स्क्रीन देखो, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मोडलेस ऑपरेटर के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। मोडलेस ऑपरेटर से पहले मैं ये बता दूं आपको और भी थोड़ा सा, कि जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो 7 तरह के होते हैं। ऑपरेटर्स जो हैं पाइथन में 7, एक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशियल, उसके साथ डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, ये हमारे पास, ठीक है। इनमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, ये नॉर्मली है मल्टीप्लीकेशन में। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो पावर होता है, जैसे आपने कर दिया 2 एक्सपोनेंशियल 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 8। 8 सर। अगर आपने कर दिया -3 एक्सपोनेंशियल 2 तो कितना होगा, 9 माइनस के प्लस के, प्लस प्लस सर, -9। अगर आप माइनस 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 प्लस। के 3 को एक्सपोनेंशियल करोगे 2 से, तब हमारे पास 9 होगा। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट टू लेफ्ट, यानी ये पहले इधर से चलेगा तो इसने इतने को ही ले लिया, माइनस तक पहुंचा ही नहीं। वो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि हमने लिखा 1 एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2, तो इसका रिजल्ट एक बच्चे ने कर दिया 1 की पावर 3 और इन टू 2, तो उसने ले आया 1 इंटू 2 यानी 2 रिजल्ट कर दिया। नहीं, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल है तो 1 की पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल है तो 1 की पावर, ये 1 हो गया तो 1 की पावर 2 करके 1 रिजल्ट ला दिया, लेकिन ये गलत है। ये ऐसे होगा, पहले इन दोनों का होगा 1 इंटू इंटू, ये 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, तो 9 1 की पावर फिर 9 होगा, तो 1 की पावर 9 रिजल्ट तो 1 ही आ गया, ठीक है। लेकिन तरीका ये वाला होगा, ये क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम वो दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया इस तरह से, एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं जिसमें अलग रिजल्ट हमारे पास आ जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि 2 इंटू इंटू 3 इंटू इंटू 2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट पहले इधर से होगा 2 इंटू इंटू 3 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू नाइन कितना हो गया, 9, तो 2 की पावर 9 यानी 512 रिजल्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसको कर देता है 2 की पावर 3 इंटू इंटू 2, तो वो इसका रिजल्ट कर देगा 8 की पावर 2 64, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुजीत भाई तुम अब आए हो क्लास में, आते ही फिर कल वाली हरकतें शुरू, हैंड रेज, ये करना वो करना, ठीक है। इसके बाद बेटा जो हमारे पास ये होता है, ये डिवीजन वाला होता है। डिवीजन में हमारे पास रिजल्ट अगर आप 6/3 करोगे तो 2.0, हमेशा पॉइंट में रिजल्ट देता है, ठीक है। आप 9/2 करोगे तो 4.5 आ जाएगा, आप 8/3 करोगे तो आपके पास 2.666665 इस तरह के आ जाएगा, ठीक है। आप अगर फ्लोर डिवीजन करते हो, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन में हमेशा हमारे पास रिजल्ट अगर इंटीजर वैल्यू का करे तो इंटीजर, 6 फ्लोर डिवीजन 3 करा तो रिजल्ट 2 आएगा, 9 फ्लोर डिवीजन 2 करा तो रिजल्ट 4 आएगा, 8 फ्लोर डिवीजन 3 करा तो रिजल्ट 2 आएगा, ठीक है। अगर आपने किया 6.0 फ्लोर डिवीजन 3 करा तो क्या रिजल्ट आएगा, 2.0 2.0 आएगा, ठीक है, अब हो जाएगा हमारे पास 2.0। अगर आपने 5.5, ठीक है, और फ्लोर डिवीजन 2 कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, 2.0 ही आएगा, टू टू पॉइंट पॉइंट जीरो ही सर। जीरो ठीक है, 5.0 को फ्लोर डिवीजन 2 करा तो भी 2.0 ही आएगा, ठीक है। पॉइंट में है कोई सा भी तो रिजल्ट पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। ये देखो रोज डेली का काम है यार इसका, सुजीत का,
फिर आके ये करने लगा, फिर मैसेज आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ये काम शुरू कर दे। इसका परसों पेपर है। एक तो अब आया, और चलो अब क्या है। अब देखो, आप कह रहे थे कि वो मोडलेस ऑपरेटर, मोडलेस ऑपरेटर का ये रूल होता है कि अगर ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो साइन है वो हमेशा बी का होगा रिजल्ट में, ठीक है? तो रिजल्ट में साइन बी का होगा। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव है तो आपको लेफ्ट साइड का डिफरेंस लेना होता है, और हमारे पास अगर ए नेगेटिव होता है तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर लिखना होता है, यानी राइट साइड का डिफरेंस, ठीक है? रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो ए पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। रिमाइंडर का मतलब होता है कि एक्चुअल मल्टीपल से कोई वैल्यू कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर आप जैसे ये लिख रहे हैं 22/5 कर दिया आपने, रिमाइंडर निकालना, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 यहाँ पे होगा, 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये 22 है, 22 की जो 5 के मल्टीपल है उससे दूरी देखनी, तो एक मल्टीपल से 2 की डिस्टेंस पे, एक मल्टीपल से 3 की डिस्टेंस पे, ठीक है? तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। से जो रिमाइंडर होता है, मॉडुलस होता है, वो जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है इसकी 5 से डिवाइड कर रहे तो 5 के मल्टीपल से कितनी दूरी है वो बताता है, ठीक है? अगर हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का डिफरेंस देखना, ये वाला पॉजिटिव केस में, ये वाला पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है, ये वाला राइट साइड वाला नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है, ये राइट साइड वाला नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में ये साइन लेना बी का, बी मतलब 5 का 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 2 हो गया। अगर ये माइनस के 22 को 5 से करते तो ये हो जाता माइनस के, वो माइनस के नहीं प्लस के 3, ये साइन इसका रहेगा, लेकिन अब डिफरेंस राइट साइड वाला लेंगे, राइट साइड में क्या है 3 है, ठीक है? एक हमारे पास केस ऐसा बनता है कि माइनस के 5 से हम डिवाइड करें तो माइनस का टेबल पढ़ना होता है, -10, -15, -20, -25। तो -22 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस देख लिया 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, तो ये माइनस में है, ठीक है? न्यूमिरेटर हमारे, डिनोमिनेटर हमारे पास तो माइनस में है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। ये हमारे पास प्लस का है तो प्लस का है, तो लेफ्ट साइड का देखना, यानी लेफ्ट साइड में 3 लिखा, और अगर ये भी माइनस का कर दिया हमने तो अब हो जाएगा राइट साइड का डिफरेंस, यानी 2। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है? समझ आ गया भाई? जी हाँ सर। सर, इस तरह से करनी है। अब बताओ, चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा, आप जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा, ठीक है? कमेंट करके जल्दी। 34 को हम 6 से भाग कर रहे हैं, ठीक है सर? अभी क्लास चल रही है, 10 मिनट में खत्म करते हैं क्लास, तब करता हूँ बात। क्या? हाँ। इसके आंसर बताओ भाई क्या होगा। हाँ, बोलो। हाँ, तो लॉन्च पे क्लिक कर दो ना उसके। हाँ अच्छा, एक काम करो, दूसरी क्लास बना के, लिंक बना के ऐसे ही उससे करो।
अगर सर्वर पे कर रखा होगा तो होगी होगी ऑटोमेटिक। नहीं, कर लो आप, दूसरी बना लो अगर बना। नहीं वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ना स्टार्ट करते ही। हाँ वो कह रहा हूँ। हाँ भाई बताओ क्या क्या आंसर आएगा इसका। पहला का तो 4 आएगा सर। मैसेज तो किसी ने किया नहीं अब तक। पहले का हमारे पास 4 आ गया, दूसरे का फोर दूसरे का भी 4 आएगा सर। क्यों आएगा दूसरे का? -4 सर। टू दोनों का सेम माइनस में कैसे आएगा? माइनस में तब आता है आएगा सर, टू आएगा दूसरे टू का। आएगा भाई। 34 कैके मल्टीपल, 34 किस किस के बीच में होगा? 30 और 36 के बीच में आएगा ना 34। तो इधर हाँ कितने सर। का? 4 का इधर, 2 का, तो 1 का 4 है तो 1 का 2 होगा। ठीक है इसका क्या होगा? -2 माइनस के 2 या माइनस के 4? भाई ये हमारे पास क्या रहेगा, ये माइनस के 30 और माइनस के 36 के बीच में माइनस के 34 होगा। तो लेफ्ट साइड का क्या, लेफ्ट साइड में अब कितना डिफरेंस रह गया? 2 का रह गया और राइट साइड में हमारे पास 4 का डिफरेंस रह गया। तो ये हमारे पास किधर का? माइनस का आएगा, और क्योंकि हमारे पास ये है तो लेफ्ट साइड का माइनस के 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है लेफ्ट साइड का डिफरेंस जो है 2 है, तो माइनस के 2 और इसका माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है ऐसे हो जाएगा। और अब इसका बताओ, अगर हमने लिखा 47 को 6 से भाग करा, ठीक है माइनस के 47 को माइनस के 6 से करा, 47 को माइनस के 6 से करा और माइनस के 47 को प्लस के 6 से करा, पहले पहला का वाले में पांच क्या आंसर आएगा, आएगा? फाइव आएगा फर्स्ट का। पहले का तो 5 आ गया। ठीक है भाई ये हमारे 47 क्या होगा, हमारे पास 42 और 48 के बीच में है, यहाँ पे 47, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का 5, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, दो माइनस में ये आएगा सेकंड वाले नेगेटिव का। है। ठीक है इस वाले केस में तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे माइनस है तो ये माइनस में रिजल्ट आएंगे। माइनस का टेबल कैसे लिखा जाएगा? इधर माइनस के 42 होगा, इधर माइनस के 48 होगा। ठीक है और यहाँ पे माइनस के 47 होगा, ये डिफरेंस 1 का, ये डिफरेंस कितने का? 5 का। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला यानी 1, ये नेगेटिव है तो राइट साइड वाला यानी 5। ठीक है ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है समझ आ गया, इस तरह से करनी है। समझ में आ गया भाई, इनको कर लेना फिर, और बाकी अगर कल टाइम मिला तो कल करवा देंगे अगले वाला टेस्ट, नहीं तो आप उसको कर लेना, आंसर सब उसके भी सही लगे हुए हैं। ठीक है बाकी आप परसों अच्छे से ठीक एग्जाम देना, एग्जाम के बाद क्वेश्चन भेजना व्हाट्सएप पे, उनका डिस्कशन कर लेंगे फिर। ठीक है जी सर, जी सर। कल तो हाँ नहीं सर, हम लोग का एग्जाम है 26, 26 को है सर। अच्छा, कुछ का 25 को भी है ना? 25 25 को का भी हिंदी है सब्जेक्ट सर, का है। अच्छा हिंदी 25 को हिंदी का है, तो कल हिंदी तो25 क्लास नहीं ले पाओगे को मैं। हिंदी है अब सर, कल 25 हिंदी को है चलो, हिंदी तो है सर। अब 25 को 26 को ही क्लास करते हैं कल, अगर दिन में टाइम मिला। दिन में कल मुश्किल है वैसे, शाम को तुम सब चले ही जाओगे। कोई नहीं वैसे, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप वगैरह पर पूछ लेना, नहीं तो 26 को क्लास करेंगे फिर। ठीक है ओके सर, थैंक ओके यू सर, थैंक ओके, यू सर, थैंक ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से करना एग्जाम। ठीक है सब यू टीचर सर, बन थैंक जाना, परमानेंट टीचर। यू सर। थैंक यू सर।